हेलो दोस्तों, आइए एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे, जिसमें हम लोग सोफ़ा और ड्रेस पर किस तरह से पैटर्न डिज़ाइन करते हैं आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले फाइल में जाकर के हम लोग एक पैटर्न का एक सेट तैयार करेंगे, जो 400x400 पिक्सल के साथ हम लोग एक पेपर लेंगे और उस पर पैटर्न किस तरह से डिज़ाइन करते हैं हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा पेपर है, इसमें हम लोग शेप में जा करके यहाँ से हम कोई भी एक शेप चूज़ कर लेते हैं। जैसे नेचर है, इसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे, इसमें से कोई एक फ्लावर लेकर के और यहाँ से कलर सेट करके हम लोग इसमें अभी, जैसे यहाँ वाइट कलर है तो यहाँ से हम लोग कलर इसका चेंज कर देते हैं, जो कलर चाहिए वो कलर ले लेते हैं। इसको हम लोग सेंटर में सेट करेंगे। यदि जैसे सेंटर में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले पेपर के लिए कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से इसको सेंटर कर देंगे, अलाइन कर देंगे, शेप को रिस्टरेज करेंगे और उसको डुप्लीकेट करेंगे। हम लोग दो में से किसी एक को मैं ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। फिर जाएंगे फिल्टर में, अदर में और ऑफसेट में। यहाँ पर जो हमने पहले जैसे 400 लिया है तो उसका आधी प्रॉपर्टी यहाँ पर लेना है हमें 200x200। तो इससे क्या होगा कि ये चारों कॉर्नर्स पर ये डिवाइड हो जाएगा आपका फ्लावर, ताकि इसका हम लोग रिपीट बना सके, इसके रिपीट आराम से बन जाएगा। तो सेंटर वाला इसको मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पर फिर शेप में जाकर के हम लोग, जैसे खाली जगह है तो यहाँ इसको भी हम लोग फील करेंगे, तो यहाँ पर छोटे छोटे कोई शेप डाल देंगे ऐसा, ताकि पैटर्न थोड़ा सा अच्छा लगे। इसका हम लोग कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा डार्कर लेंगे, इसमें ग्रीन को थोड़ा सा सेट कर देते हैं यहाँ वहाँ तीन चार जगह पर, ताकि जो खाली स्पेस है उसको हम लोग भर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में हमने कलर डाल दिया है, इन सबको मर्ज कर देंगे जो छोटे शेप है, और इसको थोड़ा सा हम लोग डार्क कर देंगे, जो ग्रीन जो है ना थोड़ा सा विजिबल नहीं है यहाँ पर, इसको डार्क कर लेते हैं। फिर इसको पैटर्न को सेव करना है, एडिट में जाकर के डिफाइन पैटर्न, डिफाइन पैटर्न से यहाँ पर व्हाटएवर जो आपको नाम देना है वो नाम दे दीजिए, ये पैटर्न में जाकर के सेव हो जाएगा। फिर इसको, इसके लिए ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लोग हटा देंगे, और इसको जिस पर अप्लाई करना है इसको ओपन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग एक ड्रेस ले लेंगे, जो आउटलाइन है जिसकी कैट ड्रेस कहते हैं हम लोग इसको, आप कैट ड्रेस नाम से इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको इस तरह के ड्रेसेस मिल जाएंगे। अब इसमें मैंने ये, अभी आप इसका बैकग्राउंड आप देखोगे तो ये वाइट के साथ है। सबसे पहले इसको हम लोग हटाएंगे वाइट बैकग्राउंड को। तो मैजिक वॉन्ड से किसी भी एक पार्ट को आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट में जा कर के सिमिलर कर, तो सिमिलर से क्या होगा कि जो जो वाइट पार्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर केवल लाइन ड्राइंग बची है, अब इस लाइन ड्राइंग पर किस तरह से अप्लाई करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैजिक वांड से आउटर पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसको इन्वर्स करके इसका एक शेप बना देंगे, तो एक न्यू लेयर पर कोई भी कलर फिल कर देंगे, तो आपको एक ड्रेस का एक शेप मिल जाएगा। लाइन हमारे अलग लेयर पर है, शेप हमारा अलग लेयर पर है, और नीचे बैकग्राउंड में वाइट कलर है। अब यहाँ से मैं मार्केट टूल से एक स्क्वायर बना लूँगा, और स्क्वायर बनाने के बाद एडजस्टमेंट लेयर में जाकर के पैटर्न में जाऊँगा,
तो आपकी जो सिलेक्शन था उसके अंदर अंदर ये पैटर्न फिल हो गया है। यहाँ से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं ड्रेस के अकॉर्डिंग, इसके फ्लावर्स छोटे बड़े जितने भी हैं वो हम कर लेंगे प्रॉपरली। इसको 20 के आसपास या 20 थोड़ा सा इसमें बड़ा छोटा आप यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको हमने ओके कर दिया। फिर आपने इस लेयर पर जा कर के आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ रैप करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ड्रेस के अकॉर्डिंग, ताकि ये थोड़ा सा वो नेचुरल सा लगे। ऊपर से भी हम थोड़ा सा दबा देंगे। ये एक तरह से एक मॉकअप बन रहा है। इसको फिर क्लिपिंग मार्क कर देंगे नीचे वाले के साथ। यहाँ से क्लिपिंग मार्क वाला जो पार्ट उसको डबल क्लिक करेंगे तो अंदर आकर के हम इसका पैटर्न कभी भी चेंज कर सकते हैं। यदि आपको वो पसंद नहीं है, आप कोई भी पैटर्न लेकर के आपको जिस पैटर्न को चेंज करना है और यहाँ पर कंट्रोल एस करके ये पैटर्न आपके ड्रेस पर अप्लाई हो जाएगा। तो एक तरह से आप कोई भी, जैसे हम लोग पहले किया था हम उसको वही रहने देंगे और इसको ओके कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ये सेव हो जाएगा। यदि मुझे ना एक ही ड्रेस में अलग अलग पैटर्न चाहिए तो मैं फिर जो है उसको मैं रिलीज़ कर दूंगा और यहाँ से जो मेरा शेप है इस शेप को हम लोग अलग कर लेंगे, क्योंकि पैटर्न वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पर उसका बेस में ना कोई आपको बेस के लिए पहले एक शेप बनाना होता है। तो इस तरह से हम लोग पेंट टूल से, आप चाहो तो लासो से और भी कोई सिलेक्शन के जो भी टूल है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेंट टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे हम लोग जिस जहाँ पर भी मुझे एक न्यू पैटर्न चाहिए उतने हिस्से पर मैं एक पैटर्न में बना लूँगा, सिलेक्शन कर लूँगा। उसको नेक्स्ट सिलेक्शन करके यहाँ से इसको आप अलग कर लेना है। तो इसको हम लोग रखेंगे ऊपर, ये अलग हो गया, और डुप्लीकेट करके उसको दूसरे साइड में हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पर हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला ऑफ करते थोड़ी देर के लिए और इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। जो बाहर आया है इसको आप हटा सकते हो, जैसे काफ़ी छोटा सा है लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद इन दोनों को मर्ज कर देंगे और चूंकि ये ऊपर है तो यहाँ पर हम पैटर्न आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाएं, पहले तो सिलेक्ट कर लेंगे फिर एडजस्टमेंट लेयर में जा करके इसको पैटर्न कर देंगे आगे। तो यहाँ पर एक न्यू पैटर्न लेंगे हम लोग, इस तरह से कोई भी पैटर्न ले लेते हैं और इसको एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा साइज इसकी छोटा कर लेंगे। तो ओके कर देंगे, वैसे ही सेम जो पहले किया था हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट और उसको क्रिएट क्लिपिंग मास्क नीचे से, तो देखो यह हो गया, नीचे का ऑन कर लेंगे, इसको क्लिप मास्क कर देंगे और ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक ड्रेस तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें शेडिंग का पार्ट करेंगे, तो देखते हैं शेडिंग किस तरह से करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइन लेयर के नीचे एक लेयर लेंगे और सिंपल ब्रश लेंगे, जो ड्रेस है कलर उसको थोड़ा सा डार्कर करेंगे और ब्रश से सिंपल उस लाइन के ऊपर ही अपने को लाइन ड्रा करना है। तो एक पॉइंट की जगह नीचे दूसरा पॉइंट लेंगे तो शिफ्ट के साथ उसको ड्रा करेंगे। तो देखो यहाँ पर एक फोल्ड आपको एकदम नेचुरल से लगेंगे, बिल्कुल नेचुरल से फोल्ड लगेंगे।
तरह से हम लोग, जैसे अभी ये डार्क ब्लू है तो यहाँ पर थोड़ा सा और डार्कन करेंगे तो यहाँ के फोल्ड कुछ इस टाइप से होंगे। इसके साइड में आप वाइट कलर दे करके इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं। तो डार्क और जस्ट वाइट किया तो वो फोल्ड थोड़े से रियल दिखने लगते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग जैसे ये डार्क लिया है, इसी का थोड़ा सा वाइटर पार्ट भी ले लेते हैं, थोड़े से अच्छा लगेंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा डार्क कलर डालेंगे ताकि इसका उल्टा सा पार्ट नज़र आए। सिंपल सा स्मूथ ब्रश, सॉफ्ट वाला ब्रश जो है वो यूज़ करना है हमें। और इस तरह से हमारा ये एक कैट ड्रेस या ड्रेस मॉकअप भी कह सकते हैं हम लोग इसको, ये तैयार है। अब यहाँ पर हम लोग शेडो देंगे इसके नीचे। तो इसके लिए सबसे नीचे हम एक लेयर लेंगे, ग्रे कलर करेंगे और इसको शिफ्ट के साथ दबा करके इसको नीचे रख देंगे। थैंक यू।